कोयलांचल धनबाद में कोयले का अवैध काला कारोबार पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कहीं कहीं पुलिस के संरक्षण में भी कोयले के अवैध कारोबारी फलते फूलते हैं। ताजा मामला बरवड्डा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी सरिता मुर्मू ने बीती रात अजबडीह में छापेमारी की और कोयले को जब्त कर एक शख्स को गिरफ्तार किया। अन्य कोयला चोर भागने में सफल रहे। इसके बाद कोयले को स्थानीय थाने के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अहले सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने जबरदस्त लूट मचाई और कोयले की जमकर लूटपाट की, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखे और ना ही किसी प्रकार से ग्रामीणों को रोकने का किसी ने प्रयास किया। एसएसपी से फटकार मिलने के बाद जब थानेदार के नेतृत्व में पुलिस पहुंची, तब जमकर लाठियां भांजी गई। सूत्रों के अनुसार कोयले का यह काला कारोबार शर्मा एंड पांडे गठजोड़ के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस की जब्ती के बावजूद कोयले पर ग्रामीणों की लूट कैसे मची। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय बरवड्डा थानेदार से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आप लोग कोयला ले जा रहे हैं? हाँ। कौन सा कोयला है? कौन सा कोयला है? ताजा कहाँ से लाया है? तो आप कहाँ ले जा रहे हैं ये वाला? हम घर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? रख देते हैं। नहीं, क्यों ले जा रहे हैं? जलाने के लिए। हम क्यों जलाने के लिए? चूल्हा जलाना। यहाँ रेड हुआ था पुलिस का ना? हाँ। तो आप लोग को तो ले जाना नहीं चाहिए था। हमको पता नहीं था। पता नहीं था, ऐसे आग घुस गए? उससे सब बस्ती है, सब घूम गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जनार्दन पारे। ठीक है, जाइए।